Hello students, it's grade 4, block 18, like fractions, adding and subtracting. See students, we know how to add. Today we are going to learn in this lesson how to add the fractions. Fractions, how to add and how to subtract the fractions. See here, for example, 1 upon 6 plus 1 upon 2 upon 6 is equal to. Like fractions are there, 6, 6. यहाँ पर नीचे same fraction है, like fraction है. तो हम addition कैसे करेंगे? इसकी 2 plus 1, 3 और ये 6 जो denominator है, ये ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा. अब next example देखते हैं. 1 upon 3 plus 1 upon 3 is equal to 1 and 1, 2 upon 3. इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन के एडिशन करना है. पेज नंबर 79 पर आपको एग्जांपल्स दिए हैं सॉल्व करने के लिए. उसमें से ए 1/8 प्लस 4/8, 4 and 1 5, और ये डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर 8. अभी सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही करते हैं लाइक का. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सब्सट्रैक्शन भी उसी तरीके से करेंगे. ऊपर वाले से सब्सट्रैक्ट करेंगे और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा. 5 यहाँ पर सेम फ्रैक्शन है 6, 6 डिनोमिनेटर सेम है. 5 less 3, 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. इस तरीके से फ्रैक्शंस की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो सॉल्व किए जाते हैं. अभी मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ पेज नंबर 79 पेज नंबर. ये देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व. उसका ए 3/11 प्लस 5/11, उसका आंसर आएगा 5 and 3 8, 8/11. क्लियर? अभी सब्सट्रैक्शन भी उसी तरीके से दिया हुआ है. ये सी वाला लेते हैं हम. 7/9 less 4/9. डिनोमिनेटर सेम है इसलिए वो एज इट इज रहेगा. 7 minus 4 3, 3/9 इसका आंसर है. अभी डी वाला लेते हैं. 2/5 add 1/5. डिनोमिनेटर 5 है इसलिए एज इट इज रहेगा 5 और 2 plus 1 3, 3/5 इसका आंसर आएगा. तो इस तरीके से हमें ये जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करने हैं. अभी आपके पेज पे दिए हैं ये कलर्ड पार्ट. राइट द एडिशन स्टेटमेंट्स फॉर द शेडेड सर्कल्स. एडिशन स्टेटमेंट क्या आएगा इसका? 1 2 3 4, एक उसका अलग है. अभी ये पूरे 8 हैं तो 8 में से 1 शेडेड है तो 1/8, और ये बाकी के ब्लू है वो 3 है, वॉयलेट कलर का है वो 1 है. तो 3/8 and 1/8 इज इक्वल टू 4/8. अभी ये येलो वाला जो है सर्कल वो 1 2 3 4, और ये नीचे वाला वॉयलेट जो है वो 4. तो 4 में से 4 पूरे कलर्ड है, 8 में से पूरे 8 कलर्ड है. इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. अब मैं आती हूँ पेज नंबर 80 के ऊपर.
अभी ऐड 3/5 पेज नंबर 18 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 प्लस 4/5 तो इसका आंसर एज इट इज डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 5 आएगा 4 और 3 7 7/5 इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं पेज नंबर 81 के ऊपर तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे माय यंग स्पेंड 4/5 आवर्स ऑन मैथ्स होमवर्क एंड 3/5 आवर्स ऑन साइंस होमवर्क हाउ मच टोटल टाइम डिड ही स्पेंड ऑन होमवर्क अभी आपको 4/5 वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट है प्लस 3/5 मतलब 5 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे में से 3 घंटे वो मैथ्स 5 घंटे में से 4 घंटे वो मैथ्स का होमवर्क करता है 5 घंटे में से 3 घंटे वो साइंस का होमवर्क करता है फिर कुल मिलाकर वो कितना होमवर्क करता है ये आपको लिखना है यहाँ पर 2 घंटे ऐसा रहेगा 5 घंटे में से 2 घंटे तो यहाँ पर 3 और 2 5 और ये 5/5 दिस इज द आंसर अभी सेकंड क्वेश्चन है रोहन 3/8 ऑफ अ चॉकलेट रोहन ने कितना चॉकलेट खाया 8 में से 3 एंड शालिनी 8 ये रोहन ने खाया शालिनी ने कितना खाया 1/8 खाया 8 में से ये शालिनी ने खाया तो मोर देन रोहन हाउ मच चॉकलेट डिड शालिनी ईट मोर देन रोहन मतलब इसमें हमें रोहन ने 3/8 खाया है एंड शालिनी ने इससे इतना ज्यादा खाया है मतलब कितना खाया है उसने 4/8 तो शालिनी 8/4 चॉकलेट अब जो प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला ज्ञान ड्रिंक फोर्थ वाला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ज्ञान ने कितना ड्रिंक पिया 4/7 जूस फ्रॉम अ वन बॉटल and 5/7 from another bottle. दूसरे juice bottle में से इतना पिया है. How much of the juice did he drink from the two bottles? तो दोनों मिलाकर कितना पिया है? तो इसके लिए हमें add करनी पड़ेगी. दोनों मिलाकर उसने कितना पिया है? 9/7. 9/7 उसने पिया है. राइट द आंसर एज अ मिक्स फ्रैक्शन इसका मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आंसर लिखेंगे आप इसका किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन करना है 7 9 7 1 7 9 में से 7 गए तो 2 मतलब इसका आंसर आपको इस तरह लिखना है 7 यहाँ पे 1 और ये जो 2 बचा है वो यहाँ पर तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा उसका
टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।